हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ एक और अंडे की नई चटपटी यूनिक सी रेसिपी लेकर के। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू कच्चे हैं, हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। आलू को आपको थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेट नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, तो दोनों आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों आलूओं को अच्छी तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम आलू को अच्छे से धो लेंगे, तो एक बोल में डालकर इसे अच्छे से 2-3 पानी से हम धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आलू को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धोने के बाद इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। अब हम आलू में ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह पे लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच ही ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे नमक, थोड़ा सा ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसे। 1 बड़ा चम्मच ऐड कर देंगे मैदा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं, आगे के प्रोसेस में चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। दोनों अंडों को बोल में तोड़ लेंगे। अब हम इसमें से येलो पार्ट को अलग कर लेंगे और इसका एक वाइट अलग कर लेंगे। तो इसमें से जो इसका एक योक है उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने येलो वाले पार्ट और व्हाइट वाले पार्ट को अलग कर लिया इनमें से। अब जो अंडे में से एक व्हाइट हमने अलग किया है उसे आलू में मिक्स कर देंगे। तो एक व्हाइट को मैंने आलू में ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब आप देख सकते हैं एक तवे को मैंने गैस पे गर्म कर लिया है, आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को थोड़ा सा फैला लेंगे और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। देखिए बैटर को मैंने डाल दिया है। बैटर को आपको हाफ हाफ 2 जगहों पे डाल देना है, इस तरह से फैला लेना है, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। और बीच में थोड़ा सा इस तरह से गड्ढा सा बना लेना है और इसके बीच में जो हमने गड्ढा सा बना लिया है हल्का सा, उसमें डाल देंगे येलो पार्ट 1 का अंडे का। तो बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरह से डाल देना है। एक वाइट तो हमने पहले ही मिक्स कर लिया था, ऊपर से इसे डाल देंगे और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे लगभग 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 मिनट में ऊपर का जो एग योक है वो हल्का सा पक चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे। अगर आप इसे पहले पलटते तो ये फट जाता और इसका शेप बिल्कुल बिगड़ जाता। तो जब ये हल्का सा ऊपर से सेट दिखाई दे तब हम इसे पलटेंगे। देखिए पीछे से काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी सा सीका है।
इसे मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से क्रिस्पी सा सिके। और फिर से हम इसे 2 मिनट तक कवर करके मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे दूसरे साइड से भी। 2 मिनट फिर से हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेंगे, इसे पलट लेते हैं। तो देखिए दूसरे साइड से भी काफ़ी अच्छे से ये सिक चुका है। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है, इसे निकाल लेंगे। तैयार हो चुकी है अंडे की बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेस्टी सी रेसिपी, जो कि देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर है तो खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। चलिए कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा टेस्टी यम्मी लग रही है देखने में। आई एम श्योर आपके भी मुंह में आ गया होगा पानी। तो जाइए इस टेम्पटिंग सी रेसिपी को ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।